नमस्कार, रेडियो ओडिशार संध्या खबर को स्वागत करुछि मो स्वागतिका साहू। प्रथमे मुख्य खबर। मुख्यमंत्रीको विजन ओडिशा को कटाक्ष कले धर्मेन्द्र प्रधान। बीजेडी राज्य स्तरीय परिवर्तित समवाय सम्मेलनी उद्घाटित। कटक ओ बालेश्वर रे 108 आम्बुलेंस कर्मचारीको धर्मघट। बालहाइट्स अग्निकाण्ड घटना, मृत खुशीको परिवारर समस्त खर्च बहन करिवे सतपाल सिंह। एवं केन्दुझर रास्ता कड़ तंटी कटा जाइथिबा नवजात शिशु उद्धार। एथर संपूर्ण खबर। आजिठू आरंभ होइछि बीजेपी रो दुई दिनिया कार्यकारिणी बैठक। एही बैठक रे जोग देइछन्ती 4 जण केन्द्र मंत्री। बैठक रे मिशन 2019 नै रणनीति प्रस्तुत करा जाइछि। मुख्यमंत्री को विजन ओडिशा को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एही अवसर रे समालोचना करिछन्ती। से कहिछन्ति जे मुख्यमंत्री गोबेई थियोरी अपनाउछन्ति। नवीन निज फोटो को आईनारे देखि चारिथर पानिया मारुछन्ति बोली धर्मेन्द्र कहिछन्ति। एहा सह धर्मेन्द्र विजन ओडिशा नै नवीन को कॉपी कैट कहि कटाक्ष करिछन्ति। आज बीजेडी दलर राज्यस्तरीय परिवर्धित समवाय सम्मेलनी अनुष्ठित होईछि। एही अवसर रे बीजेडी सभापति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोगदेई कहिछन्ति, राज्यर सबुठारु तळस्तरे थिबा चासी आर्थिक दुर्बल श्रेणी अनुसूचित जाति एवं जनजाति निकट रे विकास पहुंचाइबा पई हेले समवाय अनुष्ठान गुडी को अधिक स्वच्छ एवं क्रियाशील करिबा एकांत जरूरी। ओडिशा भली एक कृषि प्रधान राज्य रे कृषक मानकर आर्थिक सामाजिक सुरक्षा केवल समवाय अनुष्ठान माध्यम रे संभव। एही अनुष्ठान गुड़ी को अधिक स्वच्छ और दुर्नीति मुक्त करिबा अत्यंत जरूरी बोली नवीन कहिछन्ती। आगामी दुई मास मध्यरे बीजेडी समवाय सेल जिला स्तरीय कमिटी गठन कराजिबा सह नवंबर मास शेष सुधा ब्लॉक स्तरीय कमिटी गठन कराजिबा को आजिर सम्मेलनी रे निष्पत्ति निया जाइछि। कटक ओ बालेश्वर रे आज 108 आम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन को ओल्हाइछन्ती। 108 आम्बुलेंस कर्मचारी संघ सभापति मनोज साहू को गिरफ प्रतिवाद रे आम्बुलेंस कर्मचारी माने धर्मघट करिछन्ती। कटक रे 26 आम्बुलेंस रो प्राय 123 जन कर्मचारी जिल्लापालंक कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करिबा सहित एक मिलित इस्तफा पत्र प्रदान करिछन्ती। फलरे कटक रे जरूरीकालीन रोगी सेवारे व्याहत सृष्टि होईछि। सेहिपरि बालेश्वर रे मध्य आम्बुलेंस कर्मचारी मानंक आंदोलन फलरे आम्बुलेंस सेवा बंद रही देखा जाइछि। कर्मचारी माने जिल्लापालंक ऑफिस सम्मुखरे आम्बुलेंस रखी विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ती। भुवनेश्वर पाल हाइट्स मालिकंक घरे निया लागी 5 जणंक मृत्यु घटनारे आज शिशु कल्याण समितिर हाजर होइछन्ती होटेलर मालिक सतपाल सिंह। अग्निकाण्डरे प्राण हराइथिबा नाबालिका सहायिका खुशीदास मामला नै तांकु जेरा करा जाइछि। एहापरे खुशीक परिवार अर्थनीति भरण पोषण करने को सतपाल को निर्देश दिया जाइछि। खुशीक भाई भौणी को पाठपढ़ा खर्च सतपाल बहन करिवे। बड़ भौणी को स्कूल पढ़ा खर्च मासिक 2000, कॉलेज पई 4000 टंका देबे। अन्य दुई भाई भौणी को समस्त पाठपढ़ा खर्च बहन मध्य करिवे सतपाल। एथिसह खुशीक मां को निज संस्था रे चाकरी देबे बोली जेरा समय रे तांकु कुहा जाइछि बोली सीडब्ल्यूसी सदस्य बेणुधर सेनापति सूचना देइछन्ती। अगस्त 3 तारीख रे भुवनेश्वर लक्ष्मीसागर थाना अंतर्गत बुधेश्वरी निकटरे थिबा सतपाल सिंह को घरे भयावह अग्निकाण्ड घटिथिला। जेउथिरे सतपाल को परिवार 4 जण सदस्य को समेत सहायिका खुशीर मध्य मृत्यु होइथिला। केन्दुझर जिला टाउन थाना अंतर्गत नुआगाँ निकट रास्ता पार्श्वरे आज एक पेटी भितरु तंटी कटा जाइथिबा नवजात शिशु को उद्धार करा जाइछि। जिल्लार सदर बाईपास 20 नंबर जातीय राजपथ निकट रे एक पेटी रे शिशुर मृतदेह पड़िथिबार स्थानीय लोके देखिबा को पाइथिले। नवजात शिशुर पुत्रर नाई कटा जाइनथिबा बेले अति निर्दय भाबे ता बेक कटा जाइछि। स्थानीय लोके एने सदर थाना पुलिस को खबर देथिले। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची शिशुटीर मृतदेह जबत करी तदंत आरंभ करिछि। राज्यरे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने उद्देश्य आज ओडिशा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पक्षर अंतरा नामक इंजेक्शन युक्त गर्भनिरोधक शुभारंभ करा जाइछि। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिव डाक्टर प्रमोद कुमार मेहरदा
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଉପଲବ୍ଧତା ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ମେହେର୍ଦ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମବାୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ପାଲାହେଡ୍ସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ମୃତ ଖୁସିଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ସତପାଲ ସିଂ। ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ତଣ୍ଟି କଟାଯାଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।